बड़ी खबर भवानी मंडी से, जहां शहर के सैकड़ों व्यावसायिक, शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। नगर पालिका की रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा संस्थानों ने अब तक फायर एनओसी नहीं ली है। इनमें सरकारी और निजी अस्पताल, स्कूल, कोचिंग, बैंक, होटल और शोरूम जैसे प्रतिष्ठान शामिल हैं। फायर एनओसी के बिना ये संस्थान किसी भी संभावित हादसे को दावत दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। क्या होगा अगर आग जैसी आपदा यहां विकराल रूप ले ले? इसी तरह शहर के स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में बच्चों की सुरक्षा दांव पर है। कई शिक्षण संस्थानों में फायर उपकरण या आग से बचाव के लिए जरूरी व्यवस्थाएं ही नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने चेतावनी दी है कि इन संस्थानों को फायर एनओसी लेकर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने होंगे। अब तक 66 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती तो सील करने की कार्रवाई शुरू होगी। सरकारी और निजी अस्पताल जैसे नवजीवन हॉस्पिटल, एसके हॉस्पिटल और राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय के साथ साथ कई बड़े स्कूल और कोचिंग संस्थानों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन अब तक चुप क्यों बैठा था? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई होगी? चेयरमैन साहब, जैसे जैसे भवानी मंडी शहर जो है व्यापारिक दृष्टि से बड़ा क्षेत्र हो रहा है, जिला बनाने की भी लगातार इसको मांग चल रही है, वहीं देखने में आता है कि शहर के अंदर जितने भी व्यावसायिक संस्थान है, चिकित्सीय संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, उनके किसी के पास भी जो है फायर एनओसी नहीं है। अब आग लगने की संभावना में सुरक्षा कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के नगर पालिका द्वारा क्या कार्रवाई की गई? भाई, हमारे द्वारा, नगर पालिका के संस्थान के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल बिल्डिंग है, कोचिंग संस्थान है, व्यापारिक संस्थान है और जो शैक्षणिक संस्थान जो कोचिंग चलाते हैं, ये सब संस्थानों को हमारी ओर से नोटिस दे दिया गया है। नोटिस में बताया गया है कि जैसे दिल्ली और आंध्र प्रदेश में, यूपी में जो घटना घटी, बच्चों के आग लगने से दुर्घटना हुई, उससे बचने के लिए कई दुर्घटना हमारे शहर भवानी मंडी शहर के अंदर नहीं हो, उसको देखते हुए हमने ऐतिहासिक कदम उठाया है। उसके अंदर जितने हमने चिन्हित करे हैं प्रतिष्ठान, अगर कोई हमसे इन चिन्हित करने में कोई जो छूट गया, जो इसके दायरे में हमारे आता है, फायर ब्रिगेड के बेसमेंट जो बने लोगों के, जो हमारे अगर दायरे में आता है नगर पालिका द्वारा, अगर उसको हमने नोटिस नहीं दिया तो उनको नोटिस देने के लिए चिन्हित करके नोटिस देंगे, और बाकी जो इनको नोटिस दे दिए तो उनसे मेरा कर्म हाथ जोड़ निवेदन है, उन संस्थाओं वालों से, जितनी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल है, व्यापारिक संस्था है, कोचिंग है, स्कूल से व्यापारिक संस्थान है, होटल है, इन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने फायर ब्रिगेड के लाइसेंस ले लें, और बेसमेंट की अगर आपको परमिशन नहीं है तो बेसमेंट की परमिशन नगर अधीक्षक को दे दें। अपने नगर पालिका द्वारा हमारे अधीक्षक जयती को द्वारा दो नोटिस तो उनको दे दिए गए, और अंतिम नोटिस की हमारे यहाँ तैयारी चल रही है। अंतिम नोटिस के अंदर देने के बाद फिर भी मैं सबसे संस्था निवेदन करता हूं कि कहीं ऐसा नहीं हो आपको नियमानुसार कार्रवाई की ओर गुजरना पड़े। इसीलिए अच्छी बात यही रहेगी कि आप सब अपने लाइसेंस बना लें, जैसे बेसमेंट क्लियर करा लें, और हमारे जो फायर ब्रिगेड है उसकी एनओसी प्राप्त कर लें। अगर आपको उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मेरे से संपर्क करें, हमारे वाइस चेयरमैन से करें, किसी भी संकट नेता से, किसी संकट बीजे कहा किसी से संपर्क कर सकते हैं, करके आप ले अधिशाची अधिकारी, नगर पालिका स्टाफ है, हमारे राजकुमारी देखते हैं फायर ब्रिगेड को, और आरिफ भाई देखते हैं बेसमेंटों को, उनसे आप संपर्क करें। अगर कोई किसी से अगर कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को बता, उस परेशानी दूर कर सके, ताकि हमारे बच्चों की जिंदगी जो कीमती आगे जन जो यहाँ के जन जो हमारे आम नागरिक लोग हैं उनके साथ कोई हादसा नहीं गुजरे, इसके लिए हमने तैयारी करी है। दिल्ली जैसे यूपी में ऐसे कई जगह, जैसे हमारे राजस्थान में भी इस तरह शिक्षण संस्थाओं में बच्चों की जो दुर्गति हुई, उनकी दर्दनाक जो मौत हुई, उस मौतों से हमें बच सके। हमारा शहर बिल्कुल शांत है, बहुत अच्छा है, व्यापारी दृष्टि में बहुत भवानी मंडी दिन रात जोगनी वृद्धि कर रहा है, इस तरह वृद्धि करता रहे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और आप सबके लिए सुखी रहे, और अपने नियमानुसार अपना काम करें, और फायर ब्रिगेड की एनओसी ले लें, और बेसमेंट की अपनी परमिशन ले लें, और कोई चूक गया और चिन्हित करने में कोई रह गया हो तो हम उसको चिन्हित करने वापस सर्वे करेंगे, और कोई रह गया तो वापस उसको करेंगे। और इसी के लिए भवानी नगर पालिका को मेरा हाथ जोड़ नम निवेदन करता, सभी को सादर जय जय सर, सादर जय श्री कृष्ण, और सब आनंद से शांतिपूर्ण रहे, भवानी मंडी पूरा विश्व में शांति रहे। इसी के साथ मैं करूँ निवेदन करता हूँ, आप जल्द से जल्द नगर पालिका में संपर्क कर अपनी जो दुकानों की, उच्च संस्थानों की जो भी कमी है उसको पूर्ति करावे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।